दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट डेवलपर। दोस्तों अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे कुछ मोटिवेशनल वीडियो कोशिश करते हैं कि हर दिन आपको दे सके, और मोबाइल रिपेयरिंग की टिप्स तो आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे मिलते ही रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि भाग्य एक बहुत बड़ी एक पहलू है? हम लोग बहुत भाग्य की बातों पर विश्वास करते हैं, हाथों में अंगूठियाँ पहनते हैं, या हम वो जो भाग्य से जुड़ी हुई सारी जो उपाय होते हैं वो सारे हम करते हैं ताकि हमारा भाग्य सही हो सके। पर कभी आपने ये सोचा है कि एक राजा और एक भिखारी, दोनों का जन्म एक ही साथ हुआ है, फिर भी दोनों का भाग्य बिल्कुल अलग होता है। वैसे ही एक तर्क पर लेकर एक राजा ने ठान ली कि मुझे ये बात जाननी है कि ऐसा क्यों होता है कि जब मेरा जन्म हुआ, जब एक मैं राजा बना, और उसी समय पर उसी योग में उसी काल में अगर मैं बात करूं किसी एक भिखारी का जन्म हुआ तो उसको ये राजयोग क्यों नहीं मिला, मुझे ये राजयोग क्यों मिला? तो ये बात जानने के लिए राजा जिद पे अड़ गया। तो राजा ने मंत्री से पूछा कि बताओ मुझे ये बात कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही समय पर दो व्यक्ति जन्म लेते हैं और दोनों का भाग्य बिल्कुल अलग होता है। तो मंत्री ने कहा कि इसका जवाब केवल एक महाऋषि दे सकता है, एक महाव्यक्तित्व महाज्ञानी ही दे सकता है। तो उसको खोजने के लिए राजा जंगल पे निकल चुका, और उसने बहुत दूर जाने पर एक उसको महाऋषि मिले जो मुंह में अंगार रखे हुए थे और तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने उस गुरु से पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि दोनों एक ही वक्त पे पैदा होते हैं फिर भी दोनों का भाग अलग होता है। तो वो गुरु उस बात को लेके काफ़ी चिढ़ गए और उनको गुस्सा आया। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता है, आप कहीं और जाके पता करो। तो वो आगे चले और आगे बढ़ कर उनको एक ऋषि और मिल गए। अब वो ऋषि कच्चा मांस खा रहे थे और वो देख कर उनको काफ़ी अचंभा हुआ कि एक ऋषि होकर कच्चा मांस खा रहे हैं। तो उन्होंने जाना और उन्होंने उनसे पूछा कि गुरु आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही समय में पैदा होते हैं फिर उनका भाग अलग होता है? तो वो बात पे और उसको गुस्सा कर गया कि मुझे नहीं पता, यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम्हें पता करना है तो इसके अगले गांव में एक बच्चा है वो मर रहा होगा और जाके उसको पूछो, वही तुम्हें बता पाएगा। और उन्होंने जब उससे पूछा कि आप ये कच्चा मांस क्यों खा रहे हैं तो उस बात पे गुस्सा करके उन्होंने उसको और भगा दिया। तो राजा जी जब उस गाँव में गए और उस बच्चे को मरते हुए बच्चे से मिले, उन्होंने पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों है कि दो लोग एक ही साथ पैदा हुए, एक ही काल में एक ही घड़ी में पैदा हुए फिर भी दोनों का भाग अलग है? और तो उन्होंने पूछा कि मैं पिछले दो ऋषियों से मिल चुका हूँ और उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, और उन्होंने फिर तीसरा मैं आपसे मिला हूँ, तो मैं जानना बहुत इच्छुक हूँ, मुझे जानना है कि ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने बोला कि हे राजन, वो और वो बच्चा और वो दो ऋषि जो पहले थे वो चार भाई थे पिछले जन्म में। तो उसने बताया कि पिछले जन्म में वो लोग भूख से प्यास से काफ़ी उनको भूख लग रही थी, जंगल में घूम रहे थे, उनको खाने को कुछ नहीं था। तब उनको कहीं पर रास्ते में पड़े हुआ एक बंडल मिल गया जिसमें उसको कुछ दो तीन रोटी लपेटी हुई मिली और कुछ सब्जी वब्जी मिल गई। तो उनने देखा कि अब क्योंकि भूख भी लग रही थी वो खाया जाए। तब उस और एक और कोई ऋषि आया जिन्होंने वो भी भूखे थे, तो उन्होंने उनसे मांगा। तो वो पहले ऋषि पर गए, उन्होंने उसको मना कर दिया और उन्होंने बोला जा मेरे पास कुछ भी नहीं है, जा अंगार खा, मुझे कुछ नहीं पता, जा तू अंगार खा। वैसे ही दूसरे ऋषि के पास गए, उन्होंने बोला कि मेरे पास भी कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा, जाके कच्चा मांस खा ले, भूख मिटानी है तो। और वैसे ही जब तीसरे के पास गए तो तीसरे के पास बोल गए जाके मर, मुझे नहीं पता, पर मेरे पास भी नहीं है और मैंने भी भगा दिया। पर वो जब आपके पास गए तो चौथे भाई आप थे, आपके पास गए तो आपने अपनी रोटी उनको दे दी और उसने आशीर्वाद करके बोला कि हे कि अगले जन्म में, कि आने वाले हर जन्म में तुम राजा बन के पैदा हो और तुम्हें इतना मिले कि जितना तुम सोच नहीं सकते हो। तो बस ये वो कर्म थे जो आपको मिले और ये वो कर्म है जो हमको मिले कि हम पिछले जन्म में भाई होकर आज इस जन्म में हमारी ये स्थिति है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि और ये बात सुन के भी आपको आश्चर्य होता है कि गलत पासवर्ड से भी अगर हम मोबाइल को ओपन करें तो भी मोबाइल ओपन नहीं होगा। तो गलत काम करके हम अपनी जिंदगी को कैसे सफल बना सकते हैं? सही सफल जिंदगी बनाने के लिए हमें सही काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और सही काम के लिए हमें ये जानना जरूरी है अपने कर्म, जो हमारे कर्म है उसको हमें सही करना जरूरी है। दोस्तों अपना काम निष्ठापूर्वक करें, अपने काम में ईमानदारी दिखाएं और दूसरों की सहायता करें, यही जिंदगी है। और अगर आपको इससे थोड़ा बहुत विज्ञान मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।